नमस्ते, मैं गरिमा पाठक झा, रांची की जन्मी, रांची की पली बढ़ी। अभी फ़िलहाल मैं यूएसए में हूँ और मैंने मिसेज इंडिया इंटरनेशनल का सिटी क्राउन जीता, जो कि अटलांटा यूएसए में हुआ था। जी, जैसा कि मैंने बताया, रांची में मैं जन्मी हूँ, पली बढ़ी हूँ, मेरी स्कूलिंग कॉलेज सब रांची से हुई है। रांची से मैं काफ़ी अटैच्ड हूँ, मेरे लिए सब कुछ रांची है। तो मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं कुछ रांची के लिए करूँ, और जब मैं यूएसए चली गई तो मेरा कांटेक्ट थोड़ा सा लगा कि रांची से छूट रहा है। तो मैंने फिर एक इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एज अ कंटेस्टेंट फ्रॉम रांची इटसेल्फ। जी, रांची को इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाने में मुझे बहुत बहुत ही प्राउड फील होता है। मैंने पहले वहाँ पे जजों को बताया, सारे जजेस को बताया कि रांची हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड लॉट्स इन स्पोर्ट्स, और मैं अब ग्लैमर में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। और रांची जिस जैसे छोटे शहर में लड़कियों को इतना आगे फैशन और इसमें नहीं बढ़ावा दिया जाता है, खास के मैरिड वुमेन को, तो मैं चाहती थी कि मैरिड वुमेन के लिए मैं एक कुछ कर पाऊँ, मैं एक अपने आप को कुछ स्थापित कर पाऊँ, ताकि लोग मैरिड वुमेन भी आगे बढ़ सके या इस फील्ड में आगे आ सके। ये सिर्फ अनमैरिड लोग के लिए नहीं है, बट सिर्फ मैरिड वुमेन के लिए भी है। और मैं लड़कियों और औरतों सबको संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास विल है तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी, झारखंड की लड़कियों के लिए संदेश है कि झारखंड में बहुत ट्रिमेंडस पोटेंशियल है, बस अपने आप को पहचानना ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को पहचान लोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो। क्योंकि मैं मैरिड हूँ, तो मैं स्पेशली मैरिड वुमेन को बोलना चाहूँगी कि सिर्फ हाउसवाइफ बन के कुछ भी नहीं होता है, अपना पोटेंशियल पहचानो और आगे बढ़ो। मुझे भी नहीं पता था कि मैं शादी के बाद मिसेज इंटरनेशनल पेजेंट में जाऊँगी, और मैं गई, तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग है कि मैं मैरिड होके इतने आगे तक पहुंची हूँ। मैं चाहूँगी कि सारी मैरिड फीमेल्स कुछ ना कुछ हमेशा करें, हाउसवाइफ बन के ना रहे। मैं मैरिड हूँ और मेरी शादी 2012 दिसंबर में हुई। जब मेरी शादी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कहीं हाउसवाइफ ना बन जाऊँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई आधी थी। लेकिन पढ़ाई के अलावा भी मुझे समझ में आया कि और कुछ भी है जो मैं अचीव कर सकती हूँ। तो मैंने यूएसए में जाके ये कॉन्टेस्ट देखा, तो देखा कि मैं मैरिड वुमेन के लिए है और इतना मैरिड वुमेन को प्रमोट किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगी हर मैरिड वुमेन से कि वो अपना पोटेंशियल पहचाने और आगे बढ़ के आए। हाउसवाइफ के अलावा भी, फैमिली संभालने के अलावा भी बहुत सारे काम हैं जो वो कर सकती हैं आके, तो वो करें आके। ईव टीजिंग के लिए मैं हमेशा से पुलिस से और गवर्नमेंट को ही बोलूँगी कि अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले तो ईव टीजिंग रोका जा सकता है। तो हमारी पुलिस और हमारा मीडिया अगर स्ट्रिक्ट एक्शन ले तो रुक जाएगा ईव टीजिंग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं थ्रू आउट रांची अपडेट्स से कनेक्टेड रहती हूँ। मैं न्यूज़ बहुत फॉलो करती हूँ फेसबुक पे हमेशा। अगर मुझे बाई चांस ई पेपर पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है तो मैं अपडेट्स, रांची अपडेट्स को देखती रहती हूँ, और इससे मैं हमेशा कनेक्टेड हूँ, जिसके वजह से मुझे रांची का एक एक न्यूज़ पता चलते रहता है। रांची पीपल, रांची आई लव यू लॉट, और रांची के सपोर्ट की वजह से मुझे सिटी क्राउन मिला, और मैं जीत नहीं पाई इसका हमेशा अफसोस रहेगा, बट मैं, मुझे ये खुशी है, मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं यूएसए जैसे प्लेटफॉर्म पे जाके रांची सिटी क्राउन जीत के आई। आई लव यू रांची अपडेट्स, आई लव यू रांची पीपल।